ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस, वो ऑप्शंस को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा मैं ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव की कहानी सुना देता हूँ, है ना, उतना पार्ट ऑफ द कहानी जितना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा ऑब्वियसली। तो सुनो भाई, जैसे मैं बात करूँगा एक छोटे से पोर्शन की, इस पोर्शन की, रस्सी के इस छोटे से पोर्शन की, है ना। ये वाला जो केस है ना, वो स्टैंडिंग वो ट्रैवलिंग वेव का केस है। ये वाला जो है वो स्टैंडिंग वेव का केस है। ये पहले अपन ट्रैवलिंग वेव में फोकस करते हैं। अभी जब इतने से मैं पोर्शन को कंसिडर किया हूँ, तो ये ऑलमोस्ट कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है, ये जो पोर्शन ऑफ द रस्सी है, वो रस्सी अपने एक्सट्रीम पोजिशन पे भी है, तो ये रेस्ट पे होगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे, है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो ये ज़्यादा, ये स्ट्रेच्ड भी बहुत ही कम होता है। क्यों बताता हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेच ये कब होएगा, सोचो, इस पोर्शन को देखो और इस पोर्शन को देखो, है ना। इस पोर्शन की बात करता हूँ अगर मैं, इतने पोर्शन की, तो इसके इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो सिर्फ इतनी है, इतनी। जब हॉरिजॉन्टल अगर रस्सी होती तो अपनी नेचुरल लेंथ में होती है ना, अपनी रिलैक्स पोजीशन में रहती, लेकिन अभी ये ऐसी टेढ़ी है, तो ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल लेंथ से ज़्यादा ही है। तो सोचो, जब ये वाला जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, तो वो भी कुछ ऐसा हो जाएगा, जो क्योंकि ट्रैवलिंग वेव में जब पार्टिकल्स, जब वो छोटा सा पोर्शन जो अपनी मेन पोजीशन से पास करता है ना, तो रस्सी का शेप ऐसा होता है यहाँ पर, जबकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी का शेप हॉरिजॉन्टल होता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि रस्सी में जो स्ट्रेच होता है ना वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई यहाँ पर, ज़ीरो। जबकि जब रस्सी यहाँ पर आ जाएगी, तो पहली बात तो वो पार्टिकल SHM तो कर ही रहा है ना, SHM कर रहा है, तो यहाँ पर जब वो पहुँचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी ही होगी। और साथ ही साथ अभी मैं बताया कि इलॉन्गेशन भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यहाँ, है ना। यहाँ इलॉन्गेशन कितना है, ज़ीरो है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इलॉन्गेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक साथ मैक्सिमम होती है, कब, जब ये पोर्शन, ये जो छोटा सा टुकड़ा है रस्सी का, वो अपनी मेन पोजिशन से गुजर रहा है। जबकि जब वो अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तब उसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, और काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, SHM कर रहा है डेफिनेटली, पर जैसा कि अपन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में पढ़ते हैं, उसमें एक ब्लॉक और स्प्रिंग की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल की को जोड़ोगे तो ज़ीरो आएगा, यहाँ पर ज़ीरो आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर उस पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, चेंज होते रहती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए को। द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अ ट्रैवलिंग वेव, गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो। द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन, सॉरी ये स्टैंडिंग वेव वाला है, इसको नहीं पढ़ते अभी, सी ऑप्शन पढ़ते हैं। द एनर्जीज ऑफ ऑल द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन अ ट्रैवलिंग वेव। इसमें क्या बोला है कि मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, ये बोला है कि कोई भी दो पार्ट जिसकी लेंथ बराबर हो, जैसे कि मैं इस पार्ट की बात कर लिया और इस पार्ट की बात कर लिया, ठीक है। इसको मैं पार्ट नंबर ए बोल लिया और इसको पार्ट बी बोल लिया, दोनों की लेंथ बराबर है, ध्यान रखना, दोनों जो पोर्शन है रस्सी का उसकी नेचुरल लेंथ बराबर है। बोला है कि इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो ऐसा है क्या, नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि सोचो, ये ज़्यादा इलॉन्गेटेड है, ये कम इलॉन्गेटेड है, तो क्या हुआ, क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेम हुई, नहीं, है ना। या इन दोनों पार्ट को समझने में हो सकता है कि दिक्कत हो रही हो। इससे भी इजी एग्जांपल लो भाई, इसका एग्जांपल लो और इसका एग्जांपल लो, ये अपनी मेन पोजीशन से जा रहा है और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे,
कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, यहाँ पर के मैक्स है और यहाँ पर यू भी कैसा है, मैक्स है। क्या इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जैसा कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो गलत हो गया भाई। इसमें तो बोला है कि इसकी और इसकी एनर्जी दोनों सेम रहेगी, तो भाई वो तो गलत हो गया। अब बी और सी पे आएंगे। बी और सी में स्टैंडिंग वेव की बात किया हुआ है, तो अब ये ट्रैवलिंग वेव की कहानी अपन सुन ली आराम से, अब अपन स्टैंडिंग वेव की कहानी सुनते हैं। देखो जैसे मान लो ये स्टैंडिंग वेव है, इसके किसी एक पोर्शन को कंसिडर करो, ये, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसको कंसिडर करता हूँ। देखो अभी अभी ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा ये पार्टिकल है ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है इस पोर्शन ऑफ द रस्सी का वो इतना ही है, ठीक है ना, जबकि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, तो ये और ऊपर जाने वाला नहीं है। कौन? ये, वो उसकी एक्सट्रीम पोजिशन है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है ना ये रस्सी टेढ़ी है, स्लैंट है, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन की बात। अभी जब ये रस्सी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे, तो कैसी हो जाएगी ये? अब होता क्या है ना कि स्टैंडिंग वेव के केस में जब कोई पोर्शन, जैसे ये पोर्शन है जो छोटा सा, जब वो अपनी मेन पोजीशन से क्रॉस होता है तो वो सीधा रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, अनलाइक ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में जब कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करता है, या बोलना चाहिए जब कोई छोटा सा पोर्शन ऑफ द रस्सी जब अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करता है तो टेढ़ा रहता है वो, ये वाला पोर्शन ये टेढ़ा है। लेकिन ट्रैवलिंग वेव, ये ट्रैवलिंग वेव की कहानी है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि रस्सी पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है और फिर ऐसे हो जाती है, तो सभी पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन को साथ में क्रॉस करते हैं। तो मेन पोजीशन पे ये जब पोर्शन पहुंच गया तो ये कैसा है, ये बिल्कुल अनस्ट्रेच्ड है, यानी कि रिलैक्स पोजीशन में है, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम है ना। वेलोसिटी इसकी कैसी, क्योंकि भाई मेन पोजीशन में वेलोसिटी तो मैक्सिमम ही रहेगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है, पर चूंकि रिलैक्स है तो मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जबकि जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा, तब इलोंगेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, तो यू की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी पोटेंशियल एनर्जी की, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, मिनिमम। तो ये कहानी किसके जैसी है, ये एग्जैक्टली स्प्रिंग ब्लॉक जैसी कहानी है। स्प्रिंग ब्लॉक में जब ब्लॉक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और जब नेचुरल लेंथ पे रहता है स्प्रिंग ब्लॉक में तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो उसी लॉजिक से ये वाला जो पोर्शन है उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। और वैसे भी देखो भाई स्टैंडिंग वेव का क्या मतलब होता है, जैसे ये स्टैंडिंग वेव है अपनी, इस नोट से, इस नोट से, इस नोट से, इस नोट को, इन तीनों नोट को ध्यान से देखो, ये तो हिलते ही नहीं, नोट जब हिलेंगे ही नहीं तो कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे क्या? नहीं करेंगे। स्टैंडिंग वेव में कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, तो भाई किसी भी पोर्शन की जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है ना, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र ही नहीं होता है। जबकि ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर एनर्जी कैसे कॉन्स्टेंट रह सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक से भी समझा जा सकता है, पर वो लैंग्वेज में समझना एक बात है और वो स्ट्रिंग की डीपर एनालिसिस करना कि कहाँ पर स्ट्रेच मैक्स है, कहाँ पर स्ट्रेच मिनिमम है, वो इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से इतना लंबा डिस्कशन इस क्वेश्चन के ऊपर मैं किया, ठीक है। अब बी और सी को भी देख लेते हैं, देखना तो है ही क्योंकि अभी राइट आंसर में अपन आए नहीं है। देखो द एनर्जी ऑफ एनी पार्ट, एनी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन स्टैंडिंग वेव, यस अभी अपन बात की इसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट है, लाइक SHM ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक, है ना। डी ऑप्शन, द एनर्जी ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इक्वल लेंथ आर इक्वल इन स्टैंडिंग वेव, ये बात गलत है। क्यों?
फिर से स्टैंडिंग वेव बनाऊं। इसमें इस पोर्शन की बात करता हूँ, है ना, और इस पोर्शन की बात करता हूँ, मतलब इतना रस्सी की और इतना रस्सी की। भाई साफ साफ बात है, ये मेन पोजीशन है ना, ये डॉटेड लाइन। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सिर्फ इतना है, जबकि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, है ना, क्योंकि जब ये साथ ही साथ ये पूरी रस्सी नीचे आ जाएगी, जैसे ऐसे 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 और ऐसे, तो ये वाला पार्टिकल सबसे ज़्यादा तेज़ी से नीचे आते रहता है, जबकि ये कम, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये ज़ीरो। ठीक है, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, जब सारे के सारे अपने पार्टिकल्स अपने मेन पोजिशन पर हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी नहीं होती, क्योंकि रस्सी अपनी नेचुरल लेंथ पे अभी है ना। तो चूंकि ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गई। इसकी उससे कम, इससे उसकी कम, मतलब इसकी और कम, इसकी और कम, और इसकी ज़ीरो। तो यहाँ से यहाँ जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही है। और यहाँ पर इस पोजिशन में काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट की, जिन दोनों की लेंथ बराबर है पर उनकी एनर्जी बराबर नहीं है, ठीक है ना। जो लूप के बीचों बीच रहते हैं जो पार्टिकल्स, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो लूप के साइड में होते हैं यहाँ पर उनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो वन एंड ओनली आंसर इज बी। और ये बहुत अच्छा सवाल है, है ना, मतलब ये स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ना, उसको बताता है, बिल्कुल फंडामेंटल डिफरेंस एज फार एज स्ट्रिंग वेव इज कंसिडर्ड। तो ठीक है, बस, थैंक यू सो मच।